दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब डर लग रहा है। आ गए अपने गोकार्टिंग पॉइंट पे, वैसे तो खाली है। यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज है। वैसे हम तो सिर्फ गोकार्टिंग ही करेंगे। चार्जेस 302 ये गर्म नहीं है ना दादा? नहीं। तो चटका लगेगा। To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can be better. Let me show you one. मैंने ना बीचों बीच में चप्पल निकाल दी, क्योंकि है ना, क्योंकि जब भी वो बाउंस होता है ना, एक्चुअली उसमें सस्पेंशन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो वो जब भी बाउंस होता है ना तो स्लीपर है ना ऊपर ऊपर आती है, तो कभी भी है ना जब भी आप आओ तो शूज़ पहनो या तो बिना चप्पल के मेरे जैसे, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऑलरेडी हो चुका था महाबलेश्वर में। मैंने इनको बोला लेकिन उन्होंने बोला कुछ होगा नहीं, लेकिन होता है, तो ये ध्यान में रखना। तो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। 1:14 हो गए और सोच रहे हैं यहाँ से भी निकलते इगतपुरी के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे इगतपुरी है। और यहाँ पे ऐसे वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इगतपुरी यहाँ से 135 किलोमीटर है और मेरे ख्याल से 2 घंटे जाएंगे। एंड वहाँ जाके लेट नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ से निकल रहे फिलहाल। करते हैं साबूदारों को टाटा बाय बाय और निकलते हैं इगतपुरी की तरफ, तो नासिक वनी वो साइड होके जाएंगे। If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. हम नासिक के जितने जितने करीब आ रहे हैं ना, तो सब जगह आपको है ना ऐसे ग्रेप्स की फार्मिंग दिखेगी। ये देखो कितनी बड़ी है। Kilometers नासिक। प्लान था वनी जाना लेकिन लेट हो गए और यहाँ से हम सीधा नासिक के लिए जा रहे, वनी कैंसिल कर दिया। नासिक से भी कैसा है, वहाँ से फिर सीधा इगतपुरी और बीच में कहीं तो भी एक ब्रेक लेंगे लंच के लिए। पहुँच गए फाइनली नासिक और हम पहुँच गए मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे। यहाँ से इगतपुरी 56 किलोमीटर बता रहा है, मतलब 1 घंटा पकड़ के चलो। लंच के लिए यार बहुत लेट हो गया, 3:15 हो गया, तो हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई नासिक एक्सप्रेस पे और ये है करिश्मा ढाबा, तो यहाँ पे हम लोग लंच कर लेते हैं और फिर निकलेंगे इगतपुरी के लिए। ठीक कार पार्किंग के सामने फिश टैंक है, ये देखो फिश देखो। एंड सीरियसली एक बात बोलूँ, करिश्मा का करिश्मा तो ज़रूर था, क्योंकि ढाबा इतना हैंडसम था ना, और आप क्राउड देख ही सकते हो कितना क्राउड है, तो बहुत मज़ा आया खा के।
मे बी शायद हम शाम को फिर से यहाँ आएंगे डिनर के लिए, यू नो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इगतपुरी, हार्डली मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर से। Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. तो आज का हमारा स्टे है यहाँ टचवुड मिल्स में, जो कि मैं लास्ट मंथ भी आया था लेकिन तब भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था। एंड बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने सोचा है सेकंड टाइम भी हम यहीं आएंगे। माउंटेन के बहुत ही करीब है वो, तो वहाँ से है ना सीनरी बहुत अच्छी आती है। पहुंच गए हम हमारे डेस्टिनेशन पे और करते हैं चेक इन पहले तो, और फिर सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। तो आज का हमारा स्टे विला ये है, फार्म साइड विला। स्टार्ट करते मिरर से, है ना। एंड यहाँ से ये व्यू है माउंटेन का, बेड, डेस्क है एंड टी कॉफ़ी वगैरह, वॉशरूम। तो चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, क्योंकि कल भी हम लोग ने मिस कर दिया था, तो आज मैं वो मिस नहीं करना चाहता। और यहाँ से मेरे ख्याल से खाली 10 से 15 मिनट दूर है, और वैसे टाइम भी हो गया सनसेट का, तो निकलते हैं यहाँ से सनसेट के लिए। यस यस, फाइनली सनसेट होने से पहले तो पहुँच रहे हैं। आज वैसे ज़्यादा क्राउड नहीं है, नहीं तो हमेशा क्राउड होता है यहाँ पे, इतना नहीं क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को ये प्लेस पता नहीं है। लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप था, और लोग यहाँ पे बारबेक्यू, मतलब ऐसा है ना शाम के टाइम पे यहाँ पे कास्ट टेंट होता ना, तो यहाँ पे रहना और बारबेक्यू करके खाना खाना अलग ही फन है। एंड सनसेट के साथ साथ हम भी करते इस व्लॉग को यहीं ख़त्म, जैसे कि सनसेट तो मिस होने वाला था लेकिन होने नहीं दिया, बहुत ही फास्ट आया मैं, क्योंकि कल भी हमारा मिस हो गया था, तो आज मैं नहीं चाहता था कि वो मिस हो जाए। तो जैसे कि सनसेट हो गया है और हम करते इस व्लॉग को यहीं ख़त्म, मिलते कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। Don't call me liar, yeah, 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 yeah. Then I call you liar.